Hello students, children, today we learn how to separate a mixture containing two or more than two liquids. आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से अगर दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को हम मिक्स कर दें तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंटली और बाय मिस्टेक कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब काम करते हैं तो ऑयल और वाटर मिक्स हो जाए, और इट मे बी पॉसिबल दैट एल्कोहल एंड वाटर, दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू लिक्विड्स, एल्कोहल प्लस वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर. सो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स. अगर इस टाइप के मिक्सचर्स को हमें सेपरेट करना हो तो विच सेपरेशन टेक्निक इज बेस्ट सुटेड. सो this separation technique means which is the best one, it depends on the nature of liquids. जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से किसी भी separation technique को अगर हमें use करना है तो उसके लिए हमें पहले ये देखना होता है कि उस mixture में constituents जो हैं उनकी nature कैसी है. अब अगर हम यहाँ बात करें तो constituents हैं liquids, तो liquids की nature जो है वो decide करती है कि which separation technique we can use. सो देर मे बी टू कंडीशंस. अब लिक्विड्स में दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट, या तो दोनों लिक्विड्स कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और कम्प्लीटली डिसॉल्व होकर के एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना लें. सेकेंड पॉइंट, दैट इट मे बी पॉसिबल दैट दीज लिक्विड्स आर नॉट कम्प्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर. सो वेन वी मिक्स सच टाइप ऑफ लिक्विड्स दे रिमेन एज अ सेपरेट लेयर, यानी वो होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते. So the first point on which separation technique depends is that whether these liquids are miscible or these liquids are immiscible. Miscible means completely dissolve in each other and they form homogeneous solution. Second one, immiscible means they are not completely dissolved and they do not make a uniform solution. So the first point on which separation technique depends, that whether liquids are miscible. Okay, miscible means अच्छे से dissolve होके uniform solution बनाने. Example, ethanol plus water, methanol plus water, acetone plus water. Okay, and second possibility that they are immiscible. Immiscible, we can take examples of any vegetable oil plus water, petrol plus water, kerosene plus water. क्योंकि जब हम देखते हैं कि पेट्रोल जो है वो वाटर से लाइटर होता है एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. सिमिलरली क्लोरोफॉर्म, इट इज आल्सो, इट इज हैवियर देन वाटर. क्लोरोफॉर्म, इट इज हैवियर देन वाटर. क्लोरोफॉर्म जो कि एक तरीके से एनेस्थीसिया में काम में आता है, ऑपरेशन जब करते हैं तो किसी भी पेशेंट को जो है वो बेहोश करने के लिए जो सब्सटेंस काम में आता है, जो केमिकल कंपाउंड काम में आता है, दैट इज क्लोरोफॉर्म. ओके, जब हम क्लोरोफॉर्म को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनाता है? इमिसिबल. सिमिलरली देन इथर प्लस वाटर, ओके, एंड बेंजीन प्लस वाटर. बेंजीन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईथर इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब बेंजीन या ईथर को वाटर में मिक्स किया जाता है तो दे ऑलवेज फॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर. नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर मीन्स ईदर दे आर लाइटर देन वाटर और दे आर हैवियर देन वाटर. मीन्स या तो ये पानी से हल्के हैं और या ये पानी से हैवी हैं. तो इन दोनों ही सिचुएशन में अगर हम इन सब्सटेंसेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है? दैट इज इमिसिबल. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप ऑन विच द सेपरेशन टेक्निक डिपेंड्स whether the liquids are miscible or these are immiscible. Now if they are immiscible, there is no issue. Okay, we use separation technique and the name of the separation technique is, that is separating funnel. Yani is type ke mixture ko separate karne ke liye hum jo technique use karte hain wo technique hai apni separating funnel. Okay, and second one, If mixtures are miscible, यानी आपने कोई भी दो लिक्विड ऐसे लिए जो completely dissolve हो गए, uniform solution बना लिया. अब उस uniform solution बनाने के बाद हम उसको ना तो separating funnel से separate कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें filter कर सकते हैं. So we use one more technique and that technique is called as distillation. अब distillation जो है वो हर कहीं पे perfect fit नहीं होता.
डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करने से पहले हमें ये देखना होता है कि जो लिक्विड्स प्रेजेंट हैं उस मिक्सचर के अंदर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कितने हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन इथेनॉल बॉइल्स एट 78 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्स आई एम टेलिंग यू 78.6 समथिंग. Ethanol boils at 78.6 degree Celsius, whereas methanol, that is the another type of alcohol, जो कि बहुत ज़्यादा toxic है और poisonous है और हम उसको consume नहीं करते हैं. Okay? So methanol, its boiling point is 64 degree Celsius. अब कुछ liquids ऐसे हैं जिनके boiling point में difference ज़्यादा है, कुछ liquids ऐसे हैं जिनके boiling points में difference कम है. So the next factor which decides that which separation technique we can use, जो दूसरा factor है जो ये decide करेगा कि हमें कौन सी separation technique use करनी है, that factor is difference in their boiling point. Okay? So if liquids are miscible, then the second factor is difference in boiling point of liquids. Okay, जैसा मैंने आपको बताया कि water का boiling point 100 degree Celsius है. Okay, H2O boils at 100 degree Celsius, whereas methanol its boiling point is approx 64 degree Celsius, and ethanol, one more liquid, it boils at 78 degree Celsius. Okay, now we can see that here, if we have a mixture of water and methanol, अगर हमारे पास water और methanol का mixture है, तो इनका difference जो है, वो 25 degree Celsius से ज़्यादा है. Clear? अगर हमारे पास एक mixture है जिसमें water और ethanol present है, तो इस condition में उनके boiling point में difference 25 से कम है. Okay, so the next factor, that difference in their boiling point of liquids. If it is more than 25 Kelvin, if the difference is more than 25 Kelvin, okay, we are taking temperature in Kelvin. The reason is only that Kelvin is the SI unit of temperature. Kelvin jo hai, wo temperature ki SI unit hai. If difference is more than 25 Kelvin, then we use technique, that is distillation. Distillation means simple distillation technique is sufficient to separate these types of liquids. Second condition, if difference in their boiling point is less than 25 Kelvin. Okay, agar in dono ke boiling point mein difference 25 Kelvin se kam hai, then in that condition we use another separation technique, and that separation technique is fractional distillation. That separation technique is called as fractional distillation technique. Okay, so basically we have three separation techniques to separate liquid from another liquid. First is distillation, second is fractional distillation, and third one is separating funnel. Okay, besides them we have many more techniques, for example evaporation also, for example centrifugation also, but these techniques are basically related to separate liquid from liquid. Now let us discuss each and every technique in detail. Okay, so first we will discuss about separating funnel, means how can we separate two immiscible liquids. Okay, so the first technique is separating funnel. Okay, first point, it is used to separate immiscible liquid. So first is used to separate immiscible liquids. Clear? Now
Second is its principle. What is the principle of separating funnel? So if two liquids have different density, then when we keep these two liquids or the mixture of these two liquids undisturbed, a mixture containing two different densities liquid, if we keep that mixture undisturbed for some time, then what would happen? Liquid which is heavier, which is more denser, it will be settled down. Jo liquid zyada denser hai, wo kya hoga? Settle down ho jayega at the bottom of the flask or at the bottom of the beaker. And liquid which is less denser, वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम है, जिसका घनत्व कम है, वो लिक्विड जो है वो बीकर के टॉप लेयर की तरह इट स्टे एट द टॉप. ओके, सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक इज इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटीज ऑफ two liquids. Okay, when we keep this mixture means mixture of two different density liquids, this mixture undisturbed, then heavier liquid means liquid having more density, heavier liquid will settle at the bottom and lighter liquid, what is the meaning of lighter here? That is less denser. Less denser liquid stay at the top. Okay, so this is the basic principle. Separating funnel works on the densities of two different liquids. Example of this liquid means in which we can use separating funnel to separate, that is benzene plus water, benzene plus water. Okay, second is ether plus water. Okay, then chloroform plus water, then carbon disulfide plus water. Most common example, vegetable oils plus water. Okay, petrol plus water, kerosene plus water. So these are some of the examples in which we use separating funnel to separate the components or the constituents of a mixture. अगर चलो हम यह बात करें benzene और ether की, so these two are lighter than water, ether and benzene, these are less denser, we can say these are less denser than water. Okay, so it means they will float over the surface of water. In the same way, vegetable oils are less denser, petrol is less denser, and kerosene is also less denser than water. Whereas chloroform and carbon disulfide, these two are more denser than water. So when we keep the solution or when we keep the mixture undisturbed, in this case
chloroform and carbon disulfide, they will be settled at the bottom of the beaker. They will be settled, okay? Whereas rest of the case, all these constituents, they will float over the surface of water, okay? Now, here I am just going to draw a diagram of a simple separating funnel. Children, you can also make this separating funnel in your homes by using any waste water, कोई भी प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल पड़ी है, आप उससे भी सेपरेटिंग फनल बना सकते हैं. ओके, दिस इज द बेस एंड हियर दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज स्टेम. अभी जो स्टेम होता है, इस स्टेम में एक यहाँ पर कॉर्क लगा होता है. क्या लगा होता है? कॉर्क, विच इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड, विच इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड. नाउ इनिशियली वॉट वी डू, we just pour a mixture of two liquids. For example, let us take an example, we'll take oil plus water mixture. Okay, oil plus water mixture. So what will happen, because vegetable oil is less denser, so when we keep mixture undisturbed, it will make a separate layer at the top of the water. Okay, so this is the oil layer, and after some time what happens, because water is heavier, water is more denser than vegetable oil, so this water, it will settle at this bottom of the separating funnel. So here it is water and here is this, it is oil. Now, as you can see that oil and water, they will not completely dissolve in each other. वो दोनों आपस में dissolve नहीं होंगे. Dissolve क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी density different है. So, what kind of mixture it is? It is an example of immiscible liquid. It is an example of immiscible liquids. Okay? Now, we will just open this cork. Clear? And we can collect water here. After when the whole amount of water will we are able to collect in beaker, जब सारा पानी हम एक beaker में collect कर लेते हैं, उसके बाद इस stopcock को वापस से close कर दिया जाता है, and we can use the new beaker, new separate beaker, and in that we can easily collect oil. So this technique is called as separating funnel. Why it is separating funnel? Because it is a funnel and used to separate liquids. So its name is separating funnel. The basic principle to separate oil and water or two liquids is depends on their density. इस पर depend करता है density पे. More denser liquid settle at the bottom, less denser liquid remains at the top. Okay, so these are some of the applications and it is the principle. Now we will learn about the another technique, that is in case of miscible liquids. यानी अगर दो liquids हमारे पास ऐसे हैं जो completely dissolve हो रहे हैं, अब अगर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? दैट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन. अब होमोजेनियस सॉल्यूशन को हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, होमोजेनियस सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं? सेपरेटिंग फनल से सेपरेट नहीं करते. उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. It may be distillation and fractional distillation, and these two techniques depends on their boiling point difference. So let us first discuss about fractional distillation. Fractional distillation. Okay, children. This technique is used to separate two. Separate miscible liquids, we use fractional distillation technique. Okay, there are two conditions required to use this technique. First one is liquid should be miscible, means they must have form a homogeneous solution, and second one, difference in their boiling point must be less than 25 Kelvin. Here this is the apparatus of fractional distillation technique, in which we use a round bottom flask. Okay, this is RB flask. It contains, in which we pour a solution of, for example, alcohol plus water. Okay,
This is wire gauze. Wire gauze is used to provide uniform heat to the mixture. Here it is burner. This is tripod stand. This is again stand. Now we use one of the fractionating column, that is the important part of this distillation technique. The name of this column is fractionating column or fractional column. Okay, this fractional column, it contains beads, means glass beads. The function of glass beads in fractional column is to increase the surface area, means this fractional column, it provides more surface area to vapors to cool down. Okay, then here we use one of the laboratory thermometer to measure the temperature. And here, children, you can see that we are providing water to cool down these vapors. Okay, so this is called as Liebig condenser. This is called as Liebig condenser, in which there is an inlet of cold water. There is an inlet for cold water and outlet for hot water. Okay, outlet for hot water, we can say the vapors. Here we use one of the beaker to collect the mixtures or to collect the liquids. Okay, now this is called as Liebig condenser. Why this inlet water, cold water का जो inlet है वो नीचे की side है, whereas outlet is from upper side. The reason you much better know, I hope. बहुत ही simple reason है इसका, क्योंकि जब पानी गर्म होने के बाद निकलता है यहाँ से पानी अंदर, cold water हम enter कराते हैं और hot water यहाँ से outlet होता है. तो जब hot water यहाँ से निकलेगा तो उसका temperature ज़्यादा होगा और उसमें कुछ water vapors भी होंगे, and water vapors are always lighter, so we always make this Liebig condenser is always used in this manner, that inlet cold water का जो pipe है वो हमेशा नीचे की side होगा और outlet hot water pipe हमेशा ऊपर की side होगा. So there are two most important questions which can be formed on this apparatus, that what is the use of fractional column. They provide more surface area to cool down the vapors. यानी जब हम इसको heat करेंगे इस mixture को, तो जो vapors बनेंगे, ये vapors जो हैं, ये इस fractionating column में enter करेंगे और ये इन vapors को cool करने के लिए more surface area provide करता है. Second common question which can be formed on this apparatus, that what is the use of Liebig condenser. The use of Liebig condenser so that the vapors can be cooled down very quickly. और जितना ज़्यादा cooling, जितनी जल्दी fast cooling होगी, उतना ही हम बहुत easily beaker में इन liquids को separately collect कर पाएंगे. So what happens, children? Now we will just discuss about the procedure of this technique. First point, we take alcohol and water in this round bottom flask. RB flask means round bottom flask. Okay. When we provide heat to this mixture, when we heat this mixture, the vapors of alcohol and water both will form, because they have very 25 Kelvin to less than 25 Kelvin difference in their boiling point. So these vapors, they contains the vapors of alcohol as well as water. इसमें दोनों के ही vapors होंगे. Initially ये जो fractionating column है, ये fractional column है, इसका temperature कम होता है. Okay? जबकि round bottom flask का temperature ज़्यादा होता है. Okay? तो ये एक temperature gradient produce करता है. Temperature gradient produce करने का मतलब एक ऐसा apparatus जिसके एक corner पर temperature ज़्यादा है और दूसरे corner पर temperature कम है. तो एक तरीके से टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया. जब ये अल्कोहल और वाटर के वेपर्स इस फ्रैक्शनल कॉलम में जाते हैं तो ये वापस से कूल डाउन हो जाते हैं. कूल डाउन होने के बाद वापस कंडेंस होते हैं. कंडेंस होने के कारण ये जो वेपर्स हैं वापस इस बीकर के अंदर आ जाते हैं. इनिशियली इट हैपन्स व्हेन दे कूल डाउन इन दिस फ्रैक्शनल कॉलम. जब ये वेपर्स इस फ्रैक्शनल कॉलम में जाने के बाद कूल डाउन होते हैं तो ये हीट किसको रिलीज करते हैं, इन बीड्स को. यानी ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इस मिक्सचर को नीचे से गर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे ये जो बीड्स हैं इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा. ओके, एंड दिस टेम्परेचर इंक्रीमेंट वी कैन मेजर इन थर्मामीटर.
और ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट जो है हम थर्मामीटर में इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे इन फ्रैक्शनल कॉलम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब ये अप्रॉक्स 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अल्कोहल के वेपर्स जो हैं वो कूल डाउन नहीं होंगे, अल्कोहल के वेपर्स कूल डाउन नहीं होंगे और ये वेपर्स इस फ्रैक्शनल कॉलम को क्रॉस करके इस ले बैक कंडेंसर में एंटर कर जाएंगे, ओके। ये अल्कोहल के वेपर्स जो हैं वो 78 डिग्री टेम्परेचर, जैसे ही इस कॉलम का टेम्परेचर इसके अप्रॉक्स पहुंचता है, ये वेपर्स कूल डाउन नहीं होंगे और ये वापस इस राउंड बॉटम फ्लास्क में नहीं आएंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, ले बैक कंडेंसर में। अब ले बैक कंडेंसर में ऑलरेडी कोल्ड वाटर का इनलेट है, तो इस ये कोल्ड वाटर जो है इनका टेम्परेचर एकदम से डाउनफॉल कर देता है। अब डाउनफॉल करने का जो मेन यूज है वो क्या होता है, ये वेपर्स वापस इधर एंटर नहीं करते, अल्कोहल के वेपर्स जो है इस फ्रैक्शनल कॉलम में एंटर नहीं करेंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर के हम इनको अलग सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस विद द वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स भी फॉर्म हो रहे थे, क्लियर। अब ये वाटर वेपर्स क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 78 के आसपास ही है जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वेपर्स जो हैं ये वापस कूल डाउन होकर के इस राउंड बॉटम फ्लास्क में वापस कलेक्ट होते जाएंगे। तो एक्चुअल जो रिजल्ट होगा ये फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ करने का वो ये होता है कि इसमें से सिर्फ अल्कोहल के वेपर्स ही इनिशियली निकलते हैं, ओके। व्हेन एज सून एज वी आर कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग हीट, अब नीचे से हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो धीरे धीरे इस फ्रैक्शनल कॉलम का जो टेम्परेचर है वो 78 को भी क्रॉस करने लग जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम व्हाट हैपेंस, ये वेपर्स जा रहे हैं अपनी हीट यहाँ पर जो है वो रिलीज कर रहे हैं, वापस कंडेंस होके नीचे आ रहे हैं, तो इस जो फ्रैक्शनल कॉलम है इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा बट इसके कंपेरिजन में कम, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो इस फ्रैक्शनल कॉलम की कम होगी, बट रन जब 78 को क्रॉस कर जाएगी यानी वो 100 के आसपास पहुंचने लगेगी, देन सेकेंड फेज में वाटर के वेपर्स भी इसको क्रॉस करके निकल जाएंगे एंड वी कैन कलेक्ट दीज वाटर वेपर्स इन अ सेपरेट कंटेनर, इन अ सेपरेट कंटेनर। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज दैट वन, फर्स्ट टू मिसिसिबल लिक्विड शुड बी देयर, difference in their boiling point must be less than 25 Kelvin and the third point that this basically works on the principle continuously heating of vapors then cooling of vapors again means heating and condensing, heating and condensing, oh. So this process continuously go on in sequence manner, means in sequential manner, and this technique is basically used to separate alcohol from water. Now if we talk about normal distillation technique, so in that normal distillation technique this fractional column is not present, ye wala jo fractional column hai wo normal distillation technique mein present nahi hota. Directly what we do, we just simply heat a mixture of two miscible liquids. For example, oil, that two miscible liquids, acetone plus water, okay. And in that, because the boiling point of acetone is near about 56 degrees Celsius and water is 100 degrees Celsius, so the difference in their boiling point is more than 25 Kelvin. तो उनके जो boiling point में difference 25 Kelvin से ज़्यादा होता है, तो ये fractional column का उसमें use नहीं होता. And directly फर्स्ट एसीटोन के वेपर्स निकलते हैं जिन्हें हम सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, देन आफ्टर सम टाइम दिस वेपर्स ऑफ वाटर विल बी अराइजेस अप एंड दे कैन बी कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर। सो दीज आर द थ्री टेक्निक्स टू सेपरेट टू मिक्स सॉरी अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर देन टू लिक्विड्स, ओके, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटीज, डिपेंड्स ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। थैंक यू।